नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। आज माता वैष्णो देवी के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और कई मंत्री वहां पर मौजूद थे। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस की रेगुलर सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी। आपको बता दें कि दिल्ली से कटरा जाने में पहले 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों का करीब 4 घंटे का समय बचेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को इसे नवरात्रि का तोहफा बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट में इस ट्रेन की खूबियों और टिकट के किराए के बारे में बताया। पीएम के द्वारा जारी कार्ड में दिल्ली से कटरा के लिए न्यूनतम किराया 1630 रुपए और अधिकतम किराया 3014 रुपए बताया गया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने आज बीएमसी ऑफिस पहुंचकर वर्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया। आदित्य ठाकरे ने नामांकन दाखिल करने से पहले मुंबई में बड़ा रोड शो किया। इस बड़ी संख्या में लोग उनके रोड शो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य को फोन कर आशीर्वाद दिया। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी के साथ एनसीआर में भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान से आतंकी भारत में घुस चुके हैं और अगले एक महीने के भीतर पड़ने वाले नवरात्र, दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर भीड़ भरे बाजारों, रेलवे स्टेशनों और मॉल और मेट्रो ट्रेनों में हमले कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आधा दर्जन खूंखार आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में आतंकी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल देर रात 20 उम्मीदवारों के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले कांग्रेस ने 51 और 52 उम्मीदवारों की 2 सीट लिस्ट जारी की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस अब तक कुल 123 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। वह एनसीपी के साथ गठबंधन के तहत 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने तेज बहादुर को करनाल से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करनाल से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू से चुनाव में प्रचार नहीं कराना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं चाहते। आपको बता दें कि प्रदेश के कई नेता लोकसभा चुनाव के दौरान रोहतक में सिद्धू की जनसभा में पाकिस्तानी विरोधी नारे, सिद्धू पर एक महिला द्वारा चप्पल फेंके जाने से रोहतक लोकसभा सीट पर नुकसान की वजह मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक यात्री बस नदी में गिर गई, जिससे उसमें सवार 2 महिला, एक बच्चा सहित 6 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 11 घायलों को भोपाल ले जाया गया है, जिन्हें मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रशासन की मदद से बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई वाले घर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घर पर काम करने वाले एक नौकर ने 15 या 16 सितंबर को चोरी की थी। कल शाम मुंबई पुलिस ने दिल्ली से एक नौकर को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विष्णु कुमार बताया जा रहा है। इसके पास से कुछ पैसे और हार्ड डिस्क मिले हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी ने अपने फोन के जरिए कुछ अहम जानकारियां किसी को भेजी हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से कुछ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन कल गांधी जयंती के अवसर पर जम्मू में हिरासत में चल रहे नेताओं को छोड़ दिया गया। नजरबंदी से छोड़े जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कल बैठक की। इसमें आने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की तारीफ अब अमेरिका में भी हो रही है। जी हां, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और प्रकृति को बचाने में किए जा रहे प्रयासों को सराहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर वॉशिंगटन में संबोधन के दौरान नैन्सी पेलोसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट चेंज के मसले पर महात्मा गांधी के मूल्यों को बरकरार रखा है।
खिलाड़ी नंबर वन अक्षय कुमार हर किरदार में आसानी से रम जाते हैं, चाहे फिर वो कॉमेडी हो या इमोशनल। अब अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का पोस्टर भी सामने आ चुका है। पोस्टर में अक्षय ट्रांसजेंडर के रोल में नजर आ रहे हैं। माथे पर बड़ी लाल बिंदी, लाल साड़ी और मिडिल पार्टेड बन में अक्षय काफी पावरफुल नजर आए। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। बिग बॉस 13 का कल तीसरा एपिसोड धमाकेदार रहा, जिसमें बीवी हॉस्पिटल टास्क में मरीज बने सिद्धार्थ शुक्ला को हीरो बनने का मौका मिला। उन्हें अपने टास्क को इतनी मजबूती और शांत तरीके से किया कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। इस टास्क में सिद्धार्थ पर गोबर कीचड़ डाला गया, उनकी वैक्स भी की गई, उन पर ब्लीच भी लगाई गई, लेकिन उन्होंने उस तक नहीं की, जिसके कारण वो इस टास्क के हीरो बन गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।